दोस्तों, डीजल की कॉस्ट एंड उसकी माइलेज अच्छी होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं किसी बाइक में एक डीजल इंजन नहीं लगाया जाता। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा एंड बताऊंगा कि कंपनीज क्यों नहीं डीजल इंजन किसी टू व्हीलर के लिए अडेप्ट नहीं कर पा रही। सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन, वेलकम टू माई चैनल। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला कारण है वो है डीजल इंजन की हाई कंप्रेशन रेशियो, जो कि होती है 24:1, जिसकी वजह से एक डीजल इंजन को बनाने के लिए एक बड़ा सिलेंडर ब्लॉक चाहिए एंड साथ ही उसके लिए एक हैवी मेटल की भी ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से जो इनिशियली डीजल इंजन है उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाती है एंड साथ में उसका वेट भी, जो कि एक टू व्हीलर के लिए काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज इतने ज़्यादा वेट के साथ वो इजिली मैन्यूवर किसी ट्रैफिक में नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जो उसका सेकंड पॉइंट है वो है इसकी प्राइस। एक डीजल इंजन एक पेट्रोल इंजन से, कोई भी डीजल इंजन एक पेट्रोल इंजन से 30 से 50 हज़ार रुपये महंगा ही मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसकी वजह से एक बाइक के लिए जो कि एक लो सेगमेंट कम्यूटिंग व्हीकल है उसके अंदर इतने हाई प्राइस का इंजन जस्टिफाइड नहीं है। तो इसलिए कंपनीज उस डीजल इंजन को किसी भी बाइक के अंदर लगाने के लिए नहीं अभी सोच रही। तो इसी वजह से कोई भी डीजल इंजन अभी तक आपको बाइक में देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एमिशंस की। कोई भी डीजल इंजन एक पेट्रोल इंजन के कंपैरेटिवली 13% ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एंड हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो एनवायरनमेंट के लिए तो हार्मफुल है ही, प्लस साथ में पॉल्यूशन भी वो धीरे धीरे बढ़ा ही रहा है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डीजल इंजन हाई प्रेशर इंजन है, जिसकी वजह से उसमें वेयर एंड टेयर के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं एंड इसको आपको मेंटेन भी फ्रीक्वेंटली करवाना पड़ेगा एंड इसमें आपको ऑयल चेंज भी बहुत फ्रीक्वेंट वे में करवाना ही पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कोई भी डीजल इंजन ज़्यादातर बड़ी गाड़ियों में या तो बड़े ट्रक्स एंड बसेस में यूज़ होता है, क्योंकि उन बड़े व्हीकल्स का हैवी वेट होने की वजह से उसमें ज़्यादा टॉर्क की नीड होती है। इसी वजह से डीजल इंजन्स को वहां लगाया जाता है, बिकॉज डीजल इंजन के अंदर इनिशियल टॉर्क तो आपको ज़्यादा मिल जाएगा, आपको एक डीजल इंजन हाई आरपीएम पर नहीं काम करके दे सकता। सो उस केस में हम लगाते हैं एक पेट्रोल इंजन, क्योंकि बाइक को मेन चाहिए होती है स्पीड। सो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए एक पेट्रोल इंजन ही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो हाई आरपीएम पर इजीली काम कर सकता है। दोस्तों, जैसा कि आपको बताया, डीजल इंजन हाई प्रेशर पर काम करता है एंड उसकी कंप्रेशन रेशियो भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। उस हीट प्रोड्यूस होने की वजह से उसकी जो सिलेंडर की वॉल्स हैं उसके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर एंड हीट जनरेट हो जाती है। सो इस हीट को कम करने के लिए हमें सिलेंडर का सरफेस एरिया एंड उसके साथ कोई कूलिंग सिस्टम भी डीजल इंजन के साथ लगाना पड़ता है, जो आफ्टर ऑल उसकी वेट एंड उसके प्राइस में इंक्रीमेंट ही करता है। डीजल इंजन को सांस लेने के लिए एक टर्बो चार्जर या तो सुपर चार्जर की नीड होती है। मैं ये होल टर्बो चार्जर का कंसेप्ट पहले एक वीडियो में समझा चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर जरूर उस वीडियो को देखिए, जिसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि टर्बो चार्जर एक डीजल इंजन में कैसे काम करता है। बट एक टर्बो चार्जर एंड सुपर चार्जर लगाने के बाद वो एक कंप्लीट डीजल इंजन की कॉस्ट एंड वेट ही बढ़ा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, एक पेट्रोल इंजन के अंदर लगे होते हैं स्पार्क प्लग्स, जो कि उसके अंदर आने वाला एयर एंड फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करने के बाद पावर बनाते हैं। बट डीजल इंजन के अंदर लगे होते हैं फ्यूल इंजेक्टर, जो कि एक ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है एंड उसका प्राइस भी एक पेट्रोल इंजन के स्पार्क प्लग के कंपेरेटिवली काफी ज्यादा है। हाई प्रेशर का इंजन होने की वजह से इंजन को स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में एक बेसिक हाई पावर की मोटर की नीड भी होती है, इसको रन करने के लिए हमें लगानी पड़ेगी एक बड़ी बैटरी। तो फिर से आफ्टर ऑल प्राइस एंड वेट में इंक्रीमेंट ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज तक कोई भी डीजल इंजन की बाइक नहीं आई है। पहले 1965 टू 70 में रॉयल एनफील्ड ने भी इसमें ट्राई किया था, बट रिसेंटली मुझे सुनने में आया कि हीरो भी एक डीजल इंजन डेवलप करने की ट्राई कर रहा है। अब बस ये देखना होगा कि कंपनी सक्सेसफुली कैसे इसका प्राइस एंड इसका वेट मैनेज करने के बाद एक बाइक में डीजल इंजन लगाती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ आ गया होगा कि कंपनीज ने अब तक क्यों नहीं डीजल इंजन को अपनी बाइक्स के लिए अडेप्ट नहीं किया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि आप मेरी ऐसे ही आने वाली और वीडियोस को कभी मिस ना कर पाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि अब तक बाइक के अंदर कोई भी डीजल इंजन क्यों नहीं लगाया गया है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक एंड टूल्स।